नमस्कार, मैं हूँ सानराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हम लोग मिलर स्कूल के ग्राउंड में मौजूद हैं। यहाँ पे बीपीएससी TRE 2.0 के शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है। अलग अलग स्टेट के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग है उनके, जरा उनसे उन्हीं से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कुछ महिला शिक्षक भी हैं, जरा उनसे जानते हैं कि उन लोगों की क्या मांग है, वो क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं मैडम? मैम, हम लोग यहाँ पे बीपीएससी TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हुए हैं और ये हम लोग का दूसरा दिन है। और ऐसे तो कई दिनों से हम लोग कभी शिक्षा विभाग, कभी बीपीएससी, लेकिन वहाँ से हम लोग को कुछ पॉजिटिव नहीं दिख रहा। तो फिर हम लोग मंत्री के पास भी जा रहे हैं। अभी तक फिलहाल तो कोई शिक्षा मंत्री नहीं बने, लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी की यहाँ पर कुछ खामियाँ नज़र आ रही है और हम लोग चाह रहे इसको दूर हो जाए और हम लोग को ऊपर मुख्यमंत्री जी से हम लोग को आदेश मिले कि हम लोग का पूरक रिजल्ट जारी हो जाए। पहले आया था रिजल्ट, इस बार क्यों नहीं आ रहा है, इसके पीछे? हाँ देखिए, पिछली बार रिजल्ट आई थी, पिछली बार दिया तो गया था 4700 समथिंग सीट पे, लेकिन आई थी 2700 समथिंग सीट, क्योंकि कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और यहाँ पे तो 14000 समथिंग सीट खाली है, मल्टीपल रिजल्ट है, उस पर हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का रिजल्ट आ जाए। और हम लोग को लेटर से भी बताया गया था, ट्वीट से भी बताया गया था कि आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, इसलिए हम लोग आज यहाँ पे कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में कुछ हमारी जनता को बताना चाहेंगे? सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है कि अगर एक तो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट निकलता है, फाइनल रिजल्ट के बाद एक होता है जिसको पूरा रिजल्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहते हैं, उसमें मेरिट से एक नंबर, हाफ नंबर या DOB टाइप ब्रेकर जो होते हैं उनका रिजल्ट आता है। और हम लोग वही कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है जिनका, मेरा तो फिलहाल एक मार्क्स से कम है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका टाइप ब्रेकर है, डेट ऑफ बर्थ है। और समझिए जब TRE 3 आएगी तो किन्हीं का डेट मतलब एज खत्म हो जाएगा, तो फिर वो लोग क्या करेंगे, कहाँ परेशान होंगे। हम लोग फीमेल बहुत दूर से आते हैं यहाँ पे और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को इतना परेशानी ना झेलना पड़े, हम लोग का रिजल्ट आ जाए। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं बरबीघा से आई हूँ। यहाँ पे और भी अलग अलग स्टेट की महिलाएं भी हैं? हाँ बिल्कुल, रांची से आई हैं, इलाहाबाद से आई हैं, बोकारो से आई हैं, आगरा से आई हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, दिल्ली से भी लोग आए हैं। आपके हाथ में क्या पेपर है? एक पेपर तो मेरे पास अभी एक सुशील मोदी जी का था, पहले का ट्वीट की, मतलब देखिए तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के तक हजारों युवाओं की खत्म हो जाएगी उम्र सीमा, और सही बात है, ऐसा होगा ही। और इसलिए हम लोग इनसे अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें कि इनकी सरकार आई है, ये लोग रिजल्ट दिला दें। यहाँ पे और भी महिलाएं, जरा उनसे भी जानते हैं ये क्या है पेपर में, जरा बताएंगे? सर, हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हैं। मैम, कैसे विश्वास कर ले कि TRE 3 में हमारे साथ न्याय होगा, जबकि TRE 2 में हमारे साथ नियम का उलट फेर किया गया, तो अब हमें विश्वास नहीं होता कि TRE 3 में हमारे साथ न्याय होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें प्लीज़ हमें न्याय दिलाइए, हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। अच्छा, आपके कितने मार्क्स से आप रह गए? जी, मेरा 2 मार्क्स रह गया है। जी, रिजल्ट मांग कर रहे हैं, क्या अगली बार आप BPSC एग्जाम देने का सोच रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हर बार फिर हम वहीं के वहीं आकर रह जाएंगे। फिर TRE 3 में क्या भरोसा है, GK GS हट जाए, फिर नियम का उलट फेर होगा, फिर प्रिया वहीं के वहीं खड़ी रह जाएगी। इसलिए नहीं, बार बार परीक्षा नहीं, मैम हमें न्याय चाहिए। कहाँ से हैं? जी, आरा से। कहाँ से हैं? आरा से आई हूँ। आरा से। यहाँ पे और भी महिलाएं, जरा आप कहाँ से हैं मैडम? नवादा से। मैम, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए आए हैं हम लोग? आप कितने मार्क्स से रह गए? टाई ब्रेकर से। टाई ब्रेकर पे थे। टाई ब्रेकर, हाँ, इसका मतलब टाई ब्रेकर में ये होता मैम कि सेम मार्क्स आता है तो जिस लोगों का ज़्यादा हो जाता है मार्क्स सब्जेक्ट में तो उसको ले आता है, उसमें तो लैंग्वेज को 0 कर दिया गया और उसके बाद क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट था सब्जेक्ट का मार्क्स को ले लिया गया, जिसका कम मार्क्स था वो दोनों का जब सेम हो गया तो जिसका मार्क्स ज़्यादा था उसको ले लिया गया, हम लोगों को उसी मार्क्स पर छोड़ दिया गया जबकि सेम मार्क्स था, फिर भी नहीं हम लोगों का आया। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि बार बार बस हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। TRE 1 का रिजल्ट आया था, TRE 2 का क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट, इसके पीछे कोई रीजन? अब ये तो कुछ नहीं जानते, बस हम लोगों को सरकार से हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस ये चाहते हैं कि हम लोगों को रिजल्ट दे दिया जाए। अगली बार BPSC एग्जाम देंगे? नहीं, क्यों देंगे, बार बार एक ही एग्जाम को बार बार देते रहना, यही चीज़ को कहते रहना, वहाँ तक पहुँच करके नहीं होना तो ये तो बहुत दुख की बात है। यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी आप देख सकते हैं कितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि वो लोग कहाँ से हैं। सर, बक्सर से। बक्सर से जी। और आप सर? हाँ, बक्सर से ही हैं। बक्सर से ही हैं। हाँ। और आप? हम सिवान जिला से हैं।
सिवान जिला से, ये क्या है पेपर थोड़ा दिखाएंगे? ये देख अतुल प्रसाद का ट्वीट है, जिन्होंने बोला था कि हम इस पे काम करें सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे, अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के चक्कर में हम लोग फंसे हुए हैं। अच्छा तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, सत्ते में थे, तो क्या सब कुछ ठीक हो रहा था? नहीं ठीक तो था। हाँ तो क्या आप लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को सरकार सत्ते में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जैसे हम लोग युवाओं के लिए तो अच्छे काम कर रहे थे, बहुत दिन से हम लोग मतलब तैयारी कर रहे थे, ऐसा कभी ये निकला नहीं था वैकेंसी, अभी उनके चलते बहुत सारे वैकेंसी निकले हैं। तो अभी जो फिलहाल जो सत्ते में है जो सरकार, उसकी उससे क्या कहेंगे आप? क्या नहीं, बस यही कि अब ये प्रोसेस जो चला आ रहा है उसको चलाएं अच्छे से, यहाँ बिहार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। पहले भी तो TRE 1 में भी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा दिखाई जा रही थी, लेकिन कमी लोगों का बहाली हो पाया था। जी जी, ये तो हम लोग को भी पता नहीं कि जितना दिखाया जा रहा है उतना रिजल्ट आ नहीं रहा है, अब पता नहीं अंदर के क्या बात हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। जी यहाँ पे और भी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं। इधर देखिए सर, क्या है मांग? हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, जैसा कि पूरक परिणाम जारी करने की घोषणा अतुल प्रसाद द्वारा की गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद देखिएगा कि शिक्षा विभाग लेटर जारी करता है और सप्लीमेंट्री जो हमारा हक है, भीख नहीं मांगते हम अपना हक मानते हैं, और उसको मतलब उस पर रोक लगा दी गई, और इसी आवाज़ को बुलंद कर अपने हक मांगने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हमें हमारा हक चाहिए। कहाँ से? सिवान जिला अंतर्गत से आते हैं। आप कहाँ? हम नालंदा जिला से हैं। इनके हाथ में आप देख सकते हैं कि ये लोग पेपर्स लेके खड़े हैं, वी वांट सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और इसके बाद शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट जल्द आएगा, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, सिर्फ इन लोगों को झांसे में रखा जा रहा है। इस बात से आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे मौजूद है और धरने पे बैठे हुए कि नहीं, आज रिजल्ट के बारे में आप बात कीजिए ही कीजिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से इन लोगों का यही मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पे शिक्षा का अभ्यर्थी जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं। जागो, जागो, जागो। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, हमारा हक पूरा करो, मेरे साथ न्याय करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो, शिक्षा विभाग होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करो। आपका कितने मार्क्स से पीछे रहे? मेरा एक मार्क्स से पीछा छूट गए हम लोग। और आप? एक मार्क्स से PGT मैथमेटिक्स में। और आप सर? टाई ब्रेकर में फंसे हुए हम लोग हैं। यस। और आप? मैथ साइंस में एक नंबर से पीछे। यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन लोगों का यही कहना है कि वो लोगों का बस एक मार्क्स से या फिर दो मार्क्स से अभी टाई ब्रेकर की वजह से ये लोग फंसे हुए हैं, और चंद मार्क्स की वजह से ये लोगों को ये हालत जो है देखने को मिल रहा है, और इन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वही रिजल्ट आते हैं जो एक नंबर से या फिर टाई ब्रेकर पे जाके रिजल्ट नहीं आते, उन लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है। और इस बार 40,000 से ज्यादा वैकेंसी की बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। आप ये देख सकते हैं कितने सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी की यही मांग है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जाए। यहाँ पे देख सकते हैं सभी ने अपना अपना पोस्टर लेके खड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो लिया जाए, और अतुल प्रसाद का ट्वीट भी इन लोगों ने प्रिंट करवा रखा है और बता रहे हैं, यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन TRE 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल रिजल्ट। और आप देख सकते हैं इसके अलावा भी कई तरह के पोस्टर है यहाँ पे अतुल प्रसाद के ट्वीट और बाकी के जितने भी नेता है उनके ट्वीट के बारे में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आप पोस्टर्स में देख सकते हैं लिखा हुआ है दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों का विद्यालय आवंटन शुरू, इस सप्ताह 76,000 से अधिक नौ नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में आवंटित हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, और जो नेता है वो सब चुप है। यहाँ पे सारे के सारे शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, और लोगों का बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, इसकी वजह से इन लोगों का पूरा फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है, यहाँ पे फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। साथ में शिक्षक अभ्यर्थी का यही कहना है कि हम बार बार एक ही एग्जाम क्यों दें, जब हमारा इस बार क्लियर हो चुका है और चंद मार्क्स की वजह से टाई ब्रेकर की वजह
जारी करो, जारी करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. आप देख सकते हैं सभी शिक्षक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें चाहिए, गवर्नमेंट से यही आग्रह है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग है, गवर्नमेंट से यही मांग है हमारी कि हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करे। जब रिजल्ट बनकर तैयार है तो आपको देने में क्या दिक्कत है? आप कितने मार्क्स से पीछे रह गई? दो नंबर से मैं पीछे रह गई। दो नंबर से आप पीछे रह गई है। अच्छा ये बताइए आप है कहाँ से? बेतिया से आई हूँ। बेतिया से आई हूँ। तो क्या तैयारी बनकर रिजल्ट जारी हुआ था तो उस वक्त भी तो वैकेंसी के हिसाब से शिक्षक अभ्यर्थी को किया गया था? नहीं तो उस वक्त तो फिर भी कुछ भी रिजल्ट आया था ना, हमारे टाइम तो इतना सीट भी बचा हुआ है, उसके बावजूद भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हो, आखिर किस कारण से आप लोग नहीं दे रहे हो? फिर इसको आप 3.0 में जोड़ना चाहते हो तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, हमारा रिजल्ट हमें चाहिए, हमारा अधिकार। बीपीएससी का एग्जाम फिर से देंगे क्या? नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, मुझे रिजल्ट इस बार ही चाहिए, रिजल्ट चाहिए किसी भी कीमत पे, आप लोगों को कीमत पर इस बार ही चाहिए। 3.0 का वेट मैं नहीं कर सकती, मुझे इस बार ही चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि सारी औरतें जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी महिलाएं हैं उन लोगों की भी यही मांग है कि हम दोबारा बीपीएससी का एग्जाम नहीं देंगे, हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही चाहिए। यहाँ पे सारे के सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं, वो लोग अलग अलग पोस्टर्स और ट्वीट्स निकाल के खड़े हैं कि सभी ने ये दावा किया था कि वो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया है और शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो अब आक्रोशित हो गए हैं कि आप लोग बस दावा ये दावा करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, बीपीएससी शिक्षकों की बहाली की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है और सारे के सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पे आक्रोशित हुए हैं और नारे पे नारे लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें न्याय मिले। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट। यहाँ पे सब के सब देख रहे हैं और साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सत्ते में थे तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बहुत कुछ किया है, बहाली लेकर आए हैं, जो नौकरी पहले नहीं मिल पाती थी आज वो नौकरी मिल पा रही है, रोजगार आया। लेकिन अब जब से बीजेपी की सत्ता आई है, एनडीए की सरकार आई है, तब से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है और सरकार जो है रिजल्ट जारी नहीं कर रही है और काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं शिक्षक अभ्यर्थी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।